आज भी नहीं तीन चार रोज से यहाँ पर शाम को कैंडल लाइट सिटिंग कर रहे हैं सॉलिडेरिटी विद विक्टिम। जैसे कि आप जानते हैं, चार पांच दिन पहले जो हमारी मटन की एक बहन है उनको जलाया गया था जल्दी, तो तब से हम कंटिन्यूसली उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने के दो एम हैं। पहला एम ये है कि हमारी डिमांड है कि जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब ये केस रजिस्टर होता है, एफ आई आर काटी जाती है, ये केस चार साल पाँच साल चलते हैं, तो इतने जो लॉन्ग टर्म में केस चलते हैं, जो विक्टिम के घर वालों के, बाकी जो खुद विक्टिम है उसकी एक हैरेसमेंट होती है, वो तंग होती है, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना, बार बार इंसाफ की गुहार लगाना। तो हमारी ये डिमांड है पहली कि ये सारे केस जो हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें, कम से कम चार महीने के अंदर जितनी भी सुनवाई है, जितनी भी अपीलें हैं, दलीलें हैं, वो हो जाएं और चार महीने के बाद एक हमें फैसला मिल जाना चाहिए। दूसरा हमारा जो यहाँ पर मोटिव है प्रोटेस्ट करने का, वो ये है कि जितने भी ये विक्टिम हैं, जो इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है और जितना भी इनका लॉयर का जितना भी सारा सिस्टम है, वो गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाले, कोई ऐसा प्लान दे कि जो सारा ये खर्चा है वो गवर्नमेंट फंड पे हो, वो इनको विक्टिम को अपनी जेब से ना लगाना पड़े। क्योंकि देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि सोसाइटी में यूजलेस जो है वो सेमिनार्स किए जाते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन ऐसे विक्टिम्स को इग्नोर किया जाता है, ऐसे विक्टिम्स की कोई नहीं सुनता और इनको फैमिली को जो है सारा एक्सपेंसिव खर्चा उठाना पड़ता है, विक्टिम के जो वकील हैं, जो उसका ट्रीटमेंट है, सारा फैमिली को उठाना पड़ता है। उनकी पहले ही कमर टूटी होती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ होता है, वो इतने बड़े ट्रॉमे से जा रहे होते हैं और फिर सारा एक्सपेंसिव जो उनको जेब से लगाना पड़ता है। तो दो ही डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और सारा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाए।